Hello and welcome to SPMIS Academy. This is day 3 of APSC prelims current affairs session. Today we will be covering topic number 41 to 60. So before we proceed, there are few points that I want to discuss with you people. सबसे पहली बात है कि क्लास किस मोड में होनी चाहिए, रिकॉर्डेड में या लाइव में. द डे बिफोर yesterday वी डिड लाइव. उस टाइम में कई सारे स्टूडेंट्स ने कहा सर रिकॉर्डेड ज़्यादा अच्छा रहता है, जिस तरह से न्यूज़पेपर होता है. तो कल मैंने रिकॉर्डेड किया. अब कल के बाद कितने सारे व्हाट्सअप मैसेजेज आ रहे हैं कि सर वो लाइव ज़्यादा अच्छा रहता है, आप सामने रहते हैं तो चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं और एक मोटिवेशन बना रहता है, फोकस बना रहता है. तो मैं कह रहा हूँ कि इन सब पे ज़्यादा मत पढ़िए आप. 3-4 दिनों तक अब रिकॉर्डेड हमने शुरू किया, तो 3-4 दिनों तक रिकॉर्डेड कीजिए. अगर उसके बाद लगता है कि नहीं लाइव ज़्यादा अच्छा था तो हम लाइव भी कर सकते हैं. आपको जैसे सहूलियत होगी वैसे हम पढ़ा देंगे, हमारा काम है पढ़ाना, तो कोई दिक्कत है नहीं. लेकिन 2-3 दिन रिकॉर्डेड करके देख लीजिए, एक आधा दिन बीच में हम लोग ट्रायल पर लाइव भी कर लेंगे और फिर फैसला करेंगे कि जो आपके लिए ज़्यादा सुटेबल है. क्योंकि ये सेशन तो आने वाले 40 दिन तक चलने वाला है, तो जो सुटेबल होगा आने वाले टाइम के लिए हम उसको ले लेंगे. उसके अलावा कई सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर सिर्फ पीटी स्पेसिफिक नोट्स दीजिए. तो मैंने कल सिर्फ पीटी स्पेसिफिक नोट्स दिया, उसमें क्वेश्चंस भी दिए और पॉइंट वाइज नोट्स भी दिए. फिर बहुत सारे कल मैसेजेज आने लगे कि सर डिटेल्ड नोट्स भी साथ में दे दीजिए. तो कल के ही कमेंट सेक्शन में दो लिंक प्रोवाइड करके पीटी स्पेसिफिक नोट्स और डिटेल्ड नोट्स दोनों प्रोवाइड कर दिया गया है. आपको जो सही लगता है वहाँ से पढ़िए. और अब डेली ऐसा ही होगा, डिटेल नोट्स भी होंगे, पीटी स्पेसिफिक नोट्स भी होंगे. जो कमेंट होगा, पहला कमेंट कमेंट सेक्शन के अंदर वो पिन किया हुआ कमेंट रहता है एसपीएमआईएस एकेडमी की तरफ से, उसमें दोनों ही तरह के नोट्स आपको मिल जाएंगे. तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कई सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्टर किया हमारे पोर्टल पे 99 रुपीज़ पे करके टेस्ट देने के लिए, उनके दो ईमेल आईडीज़ हैं और वो रजिस्टर उन्होंने किया है एक ईमेल आईडी से और लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे ईमेल आईडी से. इससे फिर वो लॉगिन नहीं कर पा रहे, फिर उनको लग रहा हमारे सिस्टम में दिक्कत है. इस तरह के 100 से भी ज़्यादा हमें रिक्वेस्ट आए कि सर सिस्टम में कुछ दिक्कत है. जब आज हमारी टीम टेक्निकल टीम इन्वेस्टिगेट करने बैठी एक एक करके, तो लगभग सारे ही केसेज में यही हो रहा है कि उनका ईमेल आईडी कुछ और था, मतलब दो दो ईमेल आईडी है तो रजिस्टर एक से किया और लॉगिन दूसरे से करने की कोशिश कर रहे हैं. तो मतलब सिस्टम में कोई दिक्कत है नहीं. आप बस इसका ध्यान रखें कि जिससे आपने रजिस्टर किया जिस ईमेल आईडी से, उसी ईमेल आईडी का इस्तेमाल करें आप लॉगिन करने के लिए. और चौथी बात कि सर क्या कमेंट सेक्शन में आंसर करना मैंडेटरी है? कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर आपने कल कह दिया इसलिए हमने आंसर करना शुरू कर दिया कमेंट सेक्शन में, लेकिन उसमें बहुत वक्त लग रहा है. तो मैंडेटरी तो कैसे ही हो सकता है, मैं जो बोलूँगा कोई ज़रूरी तो है नहीं कि आप माने. आपके हिसाब से जो आपको सही लगता है आप कीजिए. लेकिन हाँ, आप टाइम बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप बस क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 21 आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 22 आंसर बी. अब वीडियो को पॉज करें, आंसर लिखें, आगे बढ़ें. अभी कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर इसको हम अपने कॉपी में क्यों नहीं लिख सकते, तो वो भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है. लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस को? जब ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तो मैं भी डेली बेसिस पर और मेहनत करने की कोशिश करूँगा. तो मेरा मोटिवेशन का भी ध्यान रखते हुए अगर यूट्यूब पर आप कॉमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. जैसे कल आई फेल्ट हाईली मोटिवेटेड, तो इन चीज़ का ध्यान रखिए. अदरवाइज़ कुछ मैंडेटरी है नहीं, जो आपको सही लगता है जिस तरह से आप ज़्यादा रिटेन करते हैं वो कीजिए. लेकिन हाँ, ज़्यादा डिटेल में कुछ लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है कि सैगिटेरियस ए स्टार इज सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी. रादर देन राइटिंग ऑल दिस, जस्ट अटेम्प्ट इट, क्वेश्चन नंबर दिस आंसर दिस. लेकिन मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप बस सुन करके मत छोड़िए, अटेम्प्ट जरूर कीजिए. भले कमेंट सेक्शन में लिखिए या पेपर पे लिखिए, जहाँ भी लिखिए, बट अटेम्प्ट जरूर कीजिए. मैं अपने तरफ से कहूँगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा तो मुझे थोड़ा मोटिवेटेड फील होगा. चलिए इतनी बातें हैं, आज का पहला टॉपिक लेते हैं. टॉपिक नंबर 41, दैट इज़ अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल. ये इस साल न्यूज़ में था क्योंकि 23 जनवरी को नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की मीटिंग हुई थी. नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक स्टैचूटरी बॉडी है क्रिएटेड अंडर नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट ऑफ 1971. इसके अंदर 8 जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है. इसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है. नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर. इसके वाइस चेयरमैन होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं बाकी 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के, वो इसके मेंबर्स होते हैं. और नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में 2 स्टेट से रिलेटेड कोई अगर प्रोजेक्ट है तो वो लिया जाता है. जैसे असम और शिलोंग का कोई
आसाम और मेघालय का कोई ज्वाइंट प्रोजेक्ट है तो वो लिया जाता है, अरुणाचल नागालैंड का कोई ज्वाइंट प्रोजेक्ट है तो वो लिया जाता है, लेकिन सिक्किम के केस में इस प्रोविजन को रिलैक्स किया गया है। सिक्किम के केस में अकेला सिक्किम का भी कोई प्रोजेक्ट होगा तो उसको लिया जा सकता है। तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बातें ध्यान रखनी है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक स्टैच्यूटरी बॉडी है अंडर नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट ऑफ 1971, हेडक्वार्टर इज इन शिलोंग, मेंबर्स चेयरमैन होम मिनिस्टर यूनियन होम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर इज वाइस चेयरमैन, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ एट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर इट्स मेंबर्स, इट कैन टेक इट प्रोजेक्ट्स दैट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू स्टेट्स बट फॉर सिक्किम दिस प्रोविजन इज रिलैक्स्ड। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, पॉज कीजिए, आंसर कीजिए और फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 42, साइंस सिटी इन असम, इट्स अ थ्री स्टार टॉपिक। तो देखिए, एक साइंस सिटी डेवलप किया जाएगा एट तेपेसिया विलेज नियर गुवाहाटी। तो ये विलेज गुवाहाटी से ज़्यादा दूर नहीं है, 20-22 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे साइंस सिटी डेवलप किया जाएगा लगभग 250 बीघा एरिया में। इसका टोटल कॉस्ट होगा 184 करोड़। इसको कौन कौन सी एजेंसीज बना रही हैं ध्यान से सुनिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी है इसमें, और हमारे स्टेट आसाम गवर्नमेंट की एजेंसी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। ये दोनों एजेंसी मिल करके ये साइंस सिटी डेवलप कर रही हैं एट तेपेसिया। पर्पस ऑफ कोर्स काफ़ी ऑब्वियस है कि साइंस को पॉपुलराइज किया जाए अमंग द स्टूडेंट्स, तो इसमें तो कोई टेंशन है नहीं। इसमें जो खर्चा है इस साइंस सिटी को बिल्ड करने का, इसका खर्चा जो है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स आपस में मिल करके करेंगी। 90% फंडिंग विल कम फ्रॉम द सेंटर, वल 10% फंडिंग विल कम फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट असम। तो ये साइंस सिटी डेवलप किया जा रहा है एट तेपेसिया नियर गुवाहाटी। पीटी पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, साइंस सिटी कहाँ डेवलप किया जा रहा है, तेपेसिया नियर गुवाहाटी। कौन डेवलप कर रहा है, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ आसाम गवर्नमेंट। फंडिंग स्ट्रक्चर कैसा है, 90:10 बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर करेगा 90 और स्टेट करेगा 10, सेंटर इज टू स्टेट 90:10। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, पॉज कीजिए, आंसर कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 43, री स्वयं स्कीम, अगेन थ्री स्टार टॉपिक। तो री स्वयं स्कीम, री स्वयं से पहले थोड़ा स्वयं समझ लीजिए। स्वयं का फुल फॉर्म है स्वामी विवेकानंद आसाम यूथ एम्पावरमेंट स्कीम। इसको 2017 के अपने फाइनेंस हमारे जो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे हिमंत बिस्व शर्मा साहब, उन्होंने अपने बजट स्पीच में ऑन 7 फरवरी 2017 को इस स्कीम को लॉन्च किया था। और इस स्कीम में हमारे स्टेट आसाम के जो यूथ हैं उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात की गई ताकि वो अपने लिए कुछ नया नया बिजनेस स्टार्ट कर सकें। और इसमें जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होगी वो रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में ही कराई जाएंगी। अब ये जो स्वयं स्कीम 2017 में स्टार्ट किया गया था, इसको रीस्ट्रक्चर किया गया, थोड़ा रीडेवलप किया गया 2020 में। 5 सितंबर 2020 को इसको रीडेवलप करते हुए असम सरकार ने इस स्कीम का नाम रख दिया री स्वयं। तो अब री स्वयं स्कीम के हिसाब से 50,000 रुपये दिए जाएंगे एज सीड मनी। सीड मनी होता है वो पैसा जो किसी को भी दिया जाता है स्टार्टिंग में अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो 50,000 रुपये सीड मनी की तरह दिए जाएंगे टू यूथ्स ऑफ असम। इसमें कम से कम 2 लाख यूथ को पैसा दिया जाएगा टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, अगेन फ्रॉम बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। इसके लिए टोटल बजट एलोकेट किया गया था 1,000 करोड़, और ये बजट की बात की गई थी कि आने वाले 3 महीने में इस बजट का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। ये फंड किसके किसके लिए अवेलेबल है, तो ऐसे यूथ जो किसी न किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए हैं या उनकी अपनी कोई कंपनी है जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, उनको ये पैसा मिलेगा। तो मान लीजिए कि कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसमें 4 यूथ हैं, तो हर यूथ को 50,000 के हिसाब से उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को 2 लाख रुपये मिलेंगे अंडर दिस री स्वयं स्कीम। कौन से लोग इस बेनिफिट को क्लेम कर सकते हैं अंडर री स्वयं स्कीम, क्या है क्राइटेरिया, तो 40 साल से कम एज होनी चाहिए और मैट्रिक सर्टिफिकेशन जरूर होना चाहिए उनके पास, एंड दे मस्ट बी एसोसिएटेड विथ ए प्री एग्जिस्टिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप। ऐसा नहीं कि स्कीम के बाद सुन लिया कि अच्छा 50,000 रुपये मिल रहे हैं तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के पहुंच गए सरकार के पास, ऐसा नहीं कर सकते। तो पीटी पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, स्वयं स्कीम 7 फरवरी 2017 को ही लॉन्च हो गया था थ्रू बजट स्पीच। इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता था यूथ को हमारे असम के ताकि वो अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सके बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज में। री स्वयं रीस्ट्रक्चर किया गया, 5 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया।
₹50,000 सीड मनी की तरह दिए जाते हैं। 2 लाख यूथ को टारगेट किया जा रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से हों या ज्वाइंट लाइबिलिटी कंपनी से जुड़े हुए हों, इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। बजटरी एलोकेशन 1000 करोड़ का इन 3 मंथ्स स्पेंड किया जाना था, वो बात अलग है कि ये हो नहीं पाया, तो सब मेंस में देखेंगे, मेंस टाइम में। एलिजिबिलिटी क्या है रिसोएम के लिए, एज 40 साल से कम होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए एंड शुड बी पार्ट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप और ज्वाइंट लाइबिलिटी कंपनी। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, पॉज, आंसर एंड देन मूव फॉरवर्ड। टॉपिक नंबर 44, असोमी सरस मेला। तो सरस मेला हर साल अगर आप गुवाहाटी में रहते हैं तो आप देखते होंगे जनवरी महीने में सरस मेला लगता है हमारे गुवाहाटी में, अलग अलग जगहों पे, जैसे कभी खानापारा में तो कभी पंजाबारी में। तो सरस मेला, सरस का फुल फॉर्म है सेल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रूरल आर्टिसन सोसाइटी। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो हमारे यहाँ के रूरल एरियाज के जो आर्टिस्ट हैं उनका जो भी चीज़ें वो बनाते हैं उनके लिए एक बाजार या मेला लगाया जाता है जिसमें वो आकर के अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं और लोग आकर के उन चीज़ों को खरीदते हैं। इसमें कैसा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो गांव-गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको प्रमोट किया जाता है कि वो आएँ और अपना सामान गुवाहाटी के अंदर बेचें और लोग आकर के इसको खरीदें। और दिस इज़ बीइंग लॉन्च्ड और दिस इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड एवरी ईयर अंडर आसाम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये जो सरस मेला है ये हर साल लगाया जा रहा है 2016 से, तो 2016 में पहला सरस मेला लगाया गया था, उसके बाद से हर साल इसको लगाया जा रहा है। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बातें याद रखनी है सरस मेला के बारे में, पहला तो फुल फॉर्म याद रखो, सेल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रूरल आर्टिसन सोसाइटी, हर साल गुवाहाटी में होता है, 2016 में पहला हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट, कौन से इनिशिएटिव के अंदर हो रहा है सरस मेला, आसाम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, पॉज, आंसर एंड देन मूव फॉरवर्ड। टॉपिक नंबर 45, पराक्रम दिवस। तो देखिए, इस साल भारत सरकार ने फैसला लिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म दिवस है 23 जनवरी, उसको पराक्रम दिवस की तरह मनाया जाएगा। और साथ ही साथ एक और फैसला लिया गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म चूंकि 23 जनवरी 1897 को हुआ था, यानी कि 2022 आने वाले साल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म के 125 साल पूरे हो जाएंगे, तो 125 साल अगले साल होने वाला है। इस कारण से भारत सरकार ने फैसला लिया कि इसी साल 23 जनवरी 2021 से ही एक साल तक का सेलिब्रेशन होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जन्म दिवस की। तो पीटी पॉइंट जो आपको ध्यान रखनी है, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, बर्थडे ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और अगले साल 125 साल पूरे होंगे, तो इसी से पता चल जाता है कि नेताजी का जन्म 1897 में हुआ था। क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, पॉज, अटेम्प्ट एंड देन मूव फॉरवर्ड। टॉपिक नंबर 46, जया जेटली टास्क फोर्स। 2 स्टार टॉपिक है। भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की हेड थी जया जेटली जी, इसलिए इसका नाम है जया जेटली टास्क फोर्स, जिसका काम है, जिसको काम दिया गया था कि हमारे देश में औरतों की क्या बेस्ट मैरिज के लिए एज होनी चाहिए मिनिमम, वो सजेस्ट करें। अभी तो हमारे देश में एज है 18 अकॉर्डिंग टू सारदा एक्ट। तो अगर सारदा एक्ट की बात की जाए जो अंग्रेजों ने लाया था 1929 में, जिसको वापस अमेंड किया गया 1972 में, उसके हिसाब से बॉयज़ के लिए मिनिमम मैरिजेबल एज है 21 और गर्ल्स के लिए है 18। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जल्दी शादी हो जाने से जल्दी बच्चे हो जाते हैं और फिर जल्दी मदरहुड के कारण औरतों के उनके हेल्थ पे खराब असर पड़ता है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट बढ़ जाती है। तो कैसे, क्या बेस्ट एज होनी चाहिए, उसके लिए जया जेटली टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। अगर मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट की बात की जाए तो एक बात आपको ध्यान रखनी है एपीएससी एस्पिरेंट्स को, कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट में हमारा स्टेट आसाम सबसे पीछे है। हर 1 लाख जन्म पे, बच्चों के जन्म पे 237 मदर्स की डेथ हो जाती है। तो दैट इज़ मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट वेयर वी आर वर्स्ट आसाम। ये 2011 में 300 था डाटा, फिर 2014 में जब अगला सर्वे लिया गया तो उसमें 237 है, लेकिन दोनों ही केस में वी वेयर वर्स्ट परफॉर्मर एज फार एज मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट इज़ कंसर्न। इस बात का और ध्यान रखना कि पीटी के जो पॉइंट्स हैं ना, ये जो अभी आप रट रहे हैं, अगर पीटी पास हो गए हम सब लोग भगवान की मेहरबानी से, तो ये सब पॉइंट्स मेंस में बहुत काम आएंगे, आंसर राइटिंग में, इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में। तो ध्यान रखना एमएमआर में असम इज वर्स्ट परफॉर्मर। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बातें ध्यान रखनी है, जया जेटली टास्क फोर्स, इसको क्या काम दिया गया है, राइट एज ऑफ मैरिज डिटरमाइन करने के लिए, सारदा एक्ट के हिसाब से राइट एज क्या अभी तक है या लीगल एज क्या है, 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स, 21 ईयर्स फॉर बॉय,
boys, and Assam is worst performer as far as maternal mortality rate in India is concerned, 237 per 1 lakh death. Attempt this question. First of all, pause, answer, and then move forward. Topic number 47, India Innovation Index. So, देखिए, हर अभी नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश करती है, स्टेट्स को रैंकिंग देती है इसमें कि स्टेट्स के अंदर कितना बेहतर इनोवेशन के लिए काम हो रहा है. तो पहला इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश किया गया था अक्टूबर 2019 में, और इस साल जनवरी 2021 में दूसरा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश किया गया. तो दिस वॉज सेकेंड एडिशन. अगर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग की बात की जाए तो इसको तीन कैटेगरीज में रैंकिंग दी गई है. मेजर स्टेट्स कैटेगरीज में बेस्ट परफॉर्मर रहा है कर्नाटका विद अ स्कोर ऑफ 42.5, वर्स्ट परफॉर्मर रहा है बिहार विद अ स्कोर ऑफ 14.48. इनका स्कोर याद करने की ज़रूरत नहीं है, बेस्ट एंड वर्स्ट याद रखिए मेजर स्टेट्स में कर्नाटका एंड बिहार. अगर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स की बात की जाए तो बेस्ट है हिमाचल प्रदेश, वर्स्ट है मेघालय. यहाँ पे आपको ध्यान रखना है हमारा रैंक है छठे नंबर पे और हमारा स्कोर है 16.38. आसाम का याद रखना पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर यूटीज की बात की जाए तो बेस्ट है दिल्ली, वर्स्ट है लक्षद्वीप. तो यही बातें यहाँ लिखी गई हैं पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आते आपको ध्यान में रखनी है. इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? नीति आयोग. मेजर स्टेट्स में कर्नाटका बेस्ट, बिहार वर्स्ट, नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स में हिमाचल बेस्ट, वर्स्ट मेघालय. आसाम की रैंक छठी है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में स्कोर है 16.38. और यूटीज में अगर बात की जाए तो दिल्ली इज बेस्ट, लक्षद्वीप इज वर्स्ट. इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, पॉज कीजिए, आंसर कीजिए, फिर आगे बढ़िए. टॉपिक नंबर 48 इज अबाउट जेरेंगा पत्थर. थ्री स्टार टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये जेरेंगा पत्थर एरिया शिवसागर रीजन में है, शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में है. ये इस साल न्यूज में इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, तो इससे रिलेटेड कई सारे आर्टिकल आए थे जेरेंगा पत्थर पे. और जेरेंगा पत्थर काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, तो क्यों हिस्टोरिकल है वो जरा समझते हैं. शिवसागर में है, शिवसागर का तो सिग्निफिकेंस आप जानते ही हैं. रंगपुर कहा जाता था पहले इसको, इट वॉज सीट ऑफ अहोम डायनेस्टी, वेरी इंपॉर्टेंट. जेरेंगा पत्थर की अगर बात की जाए, इट्स एन ओपन फील्ड इन शिवसागर टाउन, और 17th सेंचुरी में यहाँ पे अहोम प्रिंसेस जॉयमती से ये जगह रिलेटेड है, जहाँ पे उनको टॉर्चर किया गया और इतना टॉर्चर किया गया कि उनकी डेथ हो गई. रानी जॉयमती की डेथ हो गई यहाँ पे जेरेंगा पत्थर एरिया में टॉर्चर करते करते, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हस्बैंड का पता नहीं बताया. तो इनको कौन टॉर्चर कर रहा था? तो शी वॉज बींग टॉर्चर्ड बाई द रॉयलिस्ट्स अंडर सुलिकफा. और इसके बावजूद, और ये लोग किसका एड्रेस जानना चाहते थे, किसका वेयर अबाउट जानना चाहते थे? गदापानी का, हु वॉज हस्बैंड ऑफ रानी जॉयमती. लेकिन रानी जॉयमती ने उनका एड्रेस, गदापानी का एड्रेस नहीं बताया. बाद में गदापानी ने रिवोल्ट करके और वापस से अपने हाथ में पावर ले लिया, और लेकिन रानी जॉयमती की इस दौरान डेथ हो गई. और इसी कारण से, रानी जॉयमती के सेक्रीफाइस के कारण ही ये जो एरिया है ये हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट हो गया. तो अगेन समझिए, ये जेरेंगा पत्थर एरिया शिवसागर में है, रानी जॉयमती से जुड़ा हुआ इसका नाम. इनके हस्बैंड गदापानी, उनका वेयर अबाउट नहीं बताया उन्होंने, कहाँ वो छुपे हुए थे. चाहे कितना भी टॉर्चर किया सुलिकफ के रॉयल सोल्जर्स ने, और बाद में गदापानी वापस से जब किंग बने, उसके बाद उनके बेटे रुद्र सिंह जब किंग बने, तो उन्होंने एक टैंक बनवाया, एक पॉन्ड बनवाया, जयसागर टैंक. एंड दैट जयसागर टैंक वॉज क्रिएटेड इन मेमोरी ऑफ रानी जयमती. तो जो पीटी पॉइंट्स ऑफ व्यू से बातें ध्यान में रखनी है वो ये हैं, जेरेंगा पत्थर कहाँ है? शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में, फॉर्मरली नोन एज रंगपुर, सीट ऑफ अहोम्स, रिलेटेड टू रानी जॉयमती ऑफ 17th सेंचुरी. रानी जॉयमती क्यों हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है? टॉर्चर टू डेथ बाय रॉयलिस्ट ऑफ सुलिकफा, वाइफ ऑफ गदापानी, सन, इनके सन है रुद्र सिंघा, जिन्होंने इनकी याद में जॉयसागर टैंक बनाया 1697 में. दिस जॉयसागर टैंक इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन मेड टैंक. टॉपिक इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कीजिए, आंसर कीजिए, फिर आगे बढ़िए. टॉपिक नंबर 49, रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. अब ये रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चेनाब रिवर के ऊपर है. यहाँ पे RHP देख सकते हैं, रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चेनाब रिवर के ऊपर है इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर.
ये साल न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि बहुत सालों से ये हाइड्रो प्रोजेक्ट अटका हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान इस हाइड्रो प्रोजेक्ट को हमें कंप्लीट करने नहीं दे रहा था। पाकिस्तान इसमें कई सारे अड़चने डाल रहा था कि दिस प्रोजेक्ट इज़ अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। लेकिन अभी इस साल फिर से न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि भारत सरकार ने फैसला लिया कि हम इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रोटेस्ट बाई पाकिस्तान। इंडस वाटर ट्रीटी को भी जल्दी से समझ लीजिए, इंडस वाटर ट्रीटी और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में साइन किया गया रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑफ द इंडस वाटर सिस्टम और इंडस वाटर रिवर्स। तो उसके हिसाब से राबी, ब्याज और सतलज ये पूरी तरह से इंडिया को एलोकेट कर दिए गए, जबकि वेस्टर्न रिवर्स, इंडस, झेलम और चेनाब पाकिस्तान को दिए गए प्राइमरीली। लेकिन इसका 20% पानी, इंडस, झेलम और चेनाब का 20% पानी इंडिया को इस्तेमाल करने को अलाउ किया गया अकॉर्डिंग टू दिस इंडस वाटर ट्रीटी फॉर सम स्पेसिफिक पर्पसेज लाइक इरीगेशन और पावर जनरेशन और ट्रांसपोर्ट। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें ध्यान रखनी है, रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन से नदी पे है? चेनाब रिवर पे। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इंडस वाटर ट्रीटी की अगर बात की जाए तो राबी, सतलज और बियास इंडिया को बिलोंग करता है पूरी तरह से, जबकि इंडस, झेलम और चेनाब पाकिस्तान को बिलोंग करता है। लेकिन 20% पानी इंडिया इस्तेमाल कर सकता है फॉर सम स्पेसिफिक पर्पसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, देन मूव फॉरवर्ड। टॉपिक नंबर 50, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, DSIBs। तो हर साल RBI 3 बैंक्स को डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक डिक्लेयर करता है। 2014 से ये करते आ रहा है RBI। तो इस साल 2020-21 के डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक रहे हैं 3, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI एंड HDFC। तो पिछले साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे इस साल 2021 के जनवरी में RBI ने कहा कि 3 डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, SBI, ICICI एंड HDFC। जिस तरह से RBI डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स डिक्लेयर करता है, वैसे ही IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनियां डिक्लेयर करता है। और ये 3 इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनियां हैं, LIC, GIC एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। तो ध्यान में कौन सी बातें रखनी है PT पॉइंट ऑफ व्यू से? RBI के हिसाब से डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI एंड HDFC, जबकि IRDA के हिसाब से डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनियां हैं LIC, GIC एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, देन मूव फॉरवर्ड। टॉपिक नंबर 51, तो दिस इज 3-स्टार टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, स्कीम्स फॉर टूरिज्म, प्रमोशन ऑफ टूरिज्म इन आसाम। तो पिछले साल कोरोना के बाद हमारे यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरह से चरमरा गई थी। तो 27 सितंबर जो वर्ल्ड टूरिज्म डे हुआ करता है, इस दिन आसाम सरकार ने 3 टूरिज्म से रिलेटेड स्कीम्स अनाउंस किए, पर्यटन संजीवनी, पर्यटन सारथी एंड पुण्यधाम। एक एक करके देखते हैं। पर्यटन संजीवनी में हमारे यहाँ के लोकल यूथ्स को लोन दिया जाएगा 1 लाख से लेकर के 20 लाख तक का, ताकि वो टूरिज्म से रिलेटेड कोई बिजनेस कर सके। पर्यटन संजीवनी, पर्यटन सारथी, सारथी नाम से ये कुछ समझ आ रहा है, जो आपको गाइड करता है, जब भगवान कृष्ण सारथी थे ना अर्जुन के, वैसे ही सारथी। तो पर्यटन सारथी, ध्यान रखना, इसमें जो हमारे यहाँ के टूरिस्ट गाइड्स हैं उनको इलेक्ट्रिक गैजेट्स दिए जाएंगे, ताकि वो टूरिस्ट लोगों को बेहतर तरीके से गाइड कर पाएँ। तो पर्यटन सारथी, इलेक्ट्रिक गैजेट्स टू द टूरिस्ट गाइड्स। तीसरा है पुण्यधाम स्कीम, ये नाम से ही समझ आ रहा है कि हमारे यहाँ के जो पिलग्रिम्स हैं उनको ASTC के लग्जरी बसेज में बिठा करके अलग अलग जो पिलग्रिम प्लेसेज हैं वहाँ पे घुमाया जाएगा। इसके लिए एज होनी चाहिए 50 साल से 65 साल के बीच में। ये तीनों स्कीम को एक एक करके रिवाइज़ कर लेते हैं। पर्यटन संजीवनी, 1 लाख से 20 लाख तक का लोन दिया जाएगा टू यूथ टू असम टू मेक एन इनिशिएटिव इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म। पर्यटन सारथी, इलेक्ट्रिक गैजेट्स टू टूरिस्ट गाइड्स। पुण्यधाम स्कीम, पिलग्रिम्स इन असम घुमाए जाएंगे ASTC लग्जरी बस में, 50 साल से 65 साल एज होनी चाहिए। तीनों के तीनों स्कीम इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं बाई असम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ATDC। इसको लॉन्च कब किया गया था? 27 सितंबर 2020 को। 27 सितंबर इज वर्ल्ड टूरिज्म डे। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को और फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 52, जोनबिल मेला, अगेन 3-स्टार टॉपिक। जोनबिल मेला हर साल मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में लगता है, इस साल 21 जनवरी को ये मनाया गया।
जॉनविल मेला की खासियत ऐसे ही है कि हर साल माघ बिहू के अगले थर्सडे को ही जॉनविल मेला लगता है नियर जॉनविल। और इसमें कैसा है, बार्टर सिस्टम में लोग एक दूसरे से सामान खरीदते बेचते हैं एंड इट्स वेरी हिस्टोरिकली एंड कल्चरली इम्पॉर्टेंट मेला। तो इसका थोड़ा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी समझ लेते हैं। माना जाता है कि 15th century में यानी कि लगभग 500 साल पहले यहाँ जो जयंतिया किंग्स उनकी बेटी हिलाली की शादी हुई गोबा किंग, तीवा कम्युनिटी में से अलग अलग किंग्स थे, तीवा कम्युनिटी में से एक किंग है गोबा किंग के सन लैंगबोर से जयंतिया किंग की बेटी हिलाली की शादी हुई 15th century में। सो इस मैरिज सेरेमनी में कई सारे लोग इनवाइट किए गए बाय द गोबा किंग। ये जो गोबा किंग ने कई सारे लोगों को इनवाइट किया था नियर दिस जॉनविल, उसके बाद से ही, इस शादी के बाद से ही हर साल यहाँ पे जो गोबा किंग्स हैं वो यहाँ पे मेला ऑर्गेनाइज कराते हैं। इसका नाम है जॉनविल मेला और पिछले 500 सालों से ये मेला चलता आ रहा है ऐसा कल्चरली माना जाता है। तो फिर से समझिए, जयंतिया किंग की बेटी, जयंतिया किंगडम की प्रिंसेस हिलाली और तीवास, अलग अलग तीवास किंग्स थे उसमें से एक तीवा किंग है गोबा राजा और उनके बेटे लैंगबोर की शादी हिलाली से और तब से ही चलता आ रहा है जॉनविल मेला। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें ध्यान रखनी है, जॉनविल मेला कहाँ होता है, मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में, नेक्स्ट थर्सडे ऑफ माघ बिहू, बार्टर सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता है, इट इज एसेंशियल। ये तीवा कम्युनिटी फेयर कहाँ होता है, दयांग बेलगुरी पे होता है नियर जॉनविल। आज तक इसको कौन कंडक्ट कराता है, तो गोबा किंगडम के किंग्स कराते हैं। आज भी वहाँ पे गोबा किंगडम्स के किंग्स हैं और वो इस जॉनविल मेला को कंडक्ट कराते हैं। मौजूदा जैसे गोबा किंगडम के किंग हैं दीप सिंह देओ, उन्होंने हाल फिलहाल में ये जॉनविल मेला कंडक्ट कराया। सिग्निफिकेंस क्या है, 15th century में मैरिज ऑफ तीवा किंग लैंगबोर एंड प्रिंसेस ऑफ जयंतिया हिलाली। इस क्वेश्चन को पहले, इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 53, ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी। 1-star टॉपिक है बट फिर भी यू नेवर नो क्या आ जाए। तो ये देखिए, आर्कटिक रीजन तो आपको पता ही है, नदन साइड में होते हैं आर्कटिक रीजन। और आर्कटिक रीजन में कौन कौन से कंट्रीज आर्कटिक रीजन में बाउंड्री शेयर करते हैं उनको भी एक एक करके देखिए। तो अलास्का है US का, फिर है रसिया, फिर है फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और फिर आइसलैंड का, आइसलैंड छोटा सा टेरिटरी यहाँ पे शेयर कर रहा है। उसके अलावा डेनमार्क का ग्रीनलैंड वाला आइलैंड यहाँ पे पड़ जाता है और उसके अलावा कनाडा तो है ही है। तो टोटल कितने देश हो गए, 8, ये मत भूलिएगा। 8 देश हैं जो आर्कटिक कंट्रीज माने जाते हैं अलास्का के कारण, US, कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रसिया एंड स्वीडन, याद रखिएगा इस बात को। और इन 8 कंट्रीज़ ने मिलकर के बनाया है आर्कटिक काउंसिल, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रसिया, स्वीडन। और आर्कटिक काउंसिल में इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है सिंस 2013। तो यही बातें यहाँ लिखी हैं, आर्कटिक काउंसिल के 8 मेंबर्स, इंडिया ऑब्जर्वर स्टेटस सिंस 2013। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 54 इज़ अबाउट रीसा विच इज़ पार्ट ऑफ त्रिपुरा कल्चर। तो ये काफ़ी न्यूज़ में था, अगेन मुझे लगता है 1-star टॉपिक है लेकिन यू नेवर नो। जो त्रिपुरा के CM हैं बिप्लब कुमार देव साहब, उन्होंने रीसा, जो उनके यहाँ का एक काफ़ी कल्चरली इम्पॉर्टेंट क्लोदिंग सिस्टम होता है, उसको प्रमोट करने की कोशिश की। जैसे हमारे यहाँ पे कैसे गमोसा है असम में, वैसे ही उनका रीसा है। रीसा वहाँ की जो लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, वो अपने सरों में इस तरह से स्कार्फ की तरह बांध देती हैं या बच्चों को अपने पीठ पे लटकाने के लिए रीसा स्कार्फ का इस्तेमाल किया जाता है। तो रीसा को अब कल्चरली एक आइडेंटिटी की तरह त्रिपुरा के प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, ऐसा बिप्लब कुमार देव साहब ने कहा, इसलिए रीसा पे पूरा आर्टिकल आया था। तो रीसा से रिलेटेड जो बातें आपको ध्यान में रखनी है, इट्स एसेंशियली ए फीमेल अटायर, औरतें पहनती हैं। अगर फीमेल अटायर की बात की जाए तो उनके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं कपड़े के। देखिए, बिल्कुल टॉप साइड में सर को कवर करने के लिए या दुपट्टे की तरह वो लेती हैं जिस कपड़े को, उसको कहा जाता है रीसा। फिर रिगनाई इज द लोअर बॉडी पार्ट को कवर करने के लिए जो कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है रिगनाई। और जो मिडिल बॉडी पार्ट को कवर करने के लिए जिस कपड़े का इस्तेमाल होता है वो होता है रितुकू। तो रीसा इज लाइक दुपट्टा ऑफ इंडियन साड़ी, ध्यान रखना, रीसा काफ़ी न्यूज़ में था। तो रीसा पॉइंट्स टू बी टेक केप्ट इन माइंड, जो सबसे पहले तो त्रिपुरी फीमेल अटायर है,
सर के पास होता है ये स्कार्फ की तरह रिसा, मिडिल बॉडी पार्ट के लिए रितुकु एंड लोअर बॉडी पार्ट के लिए रिगनाई। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 55 इज अबाउट फ्रेमवर्क ऑफ NBFCs। तो ये न्यूज अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि RBI ने NBFCs को अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई कर दिया है और जो इंपॉर्टेंट NBFCs हैं उन पर रेगुलेशंस बढ़ा दिए हैं। तो NBFCs को तीन पार्ट में क्लासिफाई कर दिया है, टॉप लेयर एंड अपर लेयर, मिडिल लेयर, इस तरह से क्लासिफाई कर दिया है, ये न्यूज था। बट फिर भी मैं इसको इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि ब्रीफली आपका NBFCs और बैंक्स के बीच में क्या अंतर होता है वो रिवाइज करा दूँ। NBFCs आर लाइक ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। बैंक्स आर ऑफ कोर्स बैंक्स गिवन बैंकिंग लाइसेंस अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। NBFCs कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, बैंक्स कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट ऑफ कोर्स। NBFCs में 100% FDI अलाउड है, बैंक्स में ओनली 74% तक FDI अलाउड है। उसके अलावा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में NBFC पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब NBFC चेक वगैरह रिलीज नहीं कर सकता, बैंक्स ऑफ कोर्स चेक रिलीज करता है। NBFC में जो डिपॉजिट है वो सिक्योर्ड नहीं है, लेकिन बैंक्स के अंदर जो डिपॉजिट्स हैं उनमें 5 लाख तक का जो डिपॉजिट है वो सिक्योर्ड है। और NBFCs को CRR या SLR मेंटेन नहीं करना पड़ता है, दे डू नॉट नीड टू मेंटेन रिजर्व रेशियो, जबकि बैंक्स को तो आपको पता है CRR और SLR सब मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सब कुछ बेसिक अंतर है NBFCs और बैंक्स के बीच में, उसके बेसिस पे ही हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दे रखा है। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको अटेम्प्ट कीजिए, भले नोटबुक पे अटेम्प्ट कीजिए या फिर YouTube कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन पहले अटेम्प्ट कीजिए फिर आगे बढ़िए, तभी चीज़ें याद हो पाएंगी आपको। टॉपिक नंबर 56 नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। 2-स्टार टॉपिक है, बेसिक सा न्यूज है इसके पीछे कि हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है जहाँ जो शिलोंग में है, इसको ईयर 2000 में इस्टेब्लिश किया गया था। हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्व शर्मा साहब ने भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया कि भाई ये जो नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है इसके जो डाटा हैं, स्पेशियल डाटा हैं, स्पेस से जो वो डाटा निकालता है आसाम से रिलेटेड, वो डाटा हमारे साथ शेयर किया जाए ताकि हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकें फ्लड कंट्रोल में, फॉरेस्ट सर्वे में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह में। तो इस पर्पज़ से ये न्यूज़ आया था कि भाई ये जो नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है इसका डाटा हमारे साथ शेयर किया जाए ताकि फ्लड में इसका इस्तेमाल किया जा सके। तो देखिए PT पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें ध्यान में रखनी है, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हेडक्वार्टर कहाँ है या कहाँ पे ये है, शिलोंग में है, कौन से साल बनाया गया था 2000 में, और किसने बनाया है, तो भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने, उसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ने जिससे रिलेटेड आज का पहला टॉपिक था, और यूनियन गवर्नमेंट, इन तीन लोगों ने मिलकर के इसको बनाया है। ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के थोड़ा अलग दिया है, कॉमन सेंस पे दिया है, कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, इस तरह के भी सवाल होंगे, इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कीजिए फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 57 इज अबाउट फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ बोडो एकॉर्ड। तो आप सबको मोटा मोटा याद होगा कि जनवरी 2020 में NDFB के साथ एक अकॉर्ड साइन किया था भारत सरकार ने, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड NDFB। तो उस अकॉर्ड के एक साल पूरे हो गए, उसी कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ में आया था जिसमें हमने कवर किया था। तो पहले मैंने बोडो पीस अकॉर्ड जो 2020 में साइन हुआ था बिटवीन NDFB एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको पहले रिवाइज करा दिया। और सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि बोडो एरियाज़ कौन कौन से हैं। तो 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं बोडो एरियाज़ में, उडालगिरी, बक्सा, चिरांगैन, कोकराझार, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं बोडो एरियाज़। और इस बोडो पीस अकॉर्ड में जो 2020 में साइन किया गया था उसमें क्या प्रॉमिस किया गया कि BTAD को, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा एज BTR, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। तो ये क्या फ़ायदा होगा नाम खाली बदल देने से? देखिए सिर्फ नाम नहीं बदला गया है, अब BTAD में कई सारे नॉन बोडो ट्राइब्स के लोग भी रहते थे, उन लोगों को बाहर किया जाएगा, जहाँ पे वो लोग रहते हैं उस एरिया को बाहर किया जाएगा, और कई सारे बोडो ट्राइब्स के लोग BTAD से बाहर थे उस एरिया को जोड़ा जाएगा। तो मतलब रिस्ट्रक्चर किया जाएगा इस पूरे अंदर BTAD एरिया को, इसी कारण से इसका नाम बदल के रख दिया गया है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। उसके अलावा जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है उसकी सीट बढ़ाई जाएगी, 40 से 60 की जाएगी। हिल बोडोस को ST स्टेटस दिया जाएगा, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला जाएगा बरामा टाउन में, बक्सा डिस्ट्रिक्ट में, और टोटल 1500 करोड़ रुपये खर्च करेगी भारत सरकार बोडो एरिया को डेवलप करने के लिए। उसके अलावा जो इस साल न्यूज़ में थी चीज़ें, ये तो पिछले साल का बोडो एकॉर्ड हो गया,
इस साल जो चीज़ न्यूज़ में थी चीज़ें कि 3 डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं बोडो रीजन में, बोडो एरियाज को डेवलप करने के लिए। उसमें से 1 डिग्री कॉलेज खोला जाएगा इन द नेम ऑफ श्री उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी। उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी के बारे में भी देख लीजिए, ही लिव फ्रॉम 1956 टू 1990, मतलब सिर्फ 34 साल में इन्होंने बहुत नाम कमाया। ध्यान से समझिए, बोडो सोशल एक्टिविस्ट थे एंड ही वाज एसोसिएटेड विद ABSU ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन। कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी के बारे में है कि ही इज नोन एज बोडोफा, दैट इज गार्जियन ऑफ बोडोज। 8 मई 1990 को जब इनकी डेथ हुई उसके बाद से इनको बोडोफा टाइटल दे दिया गया और उनको उस दिन से 8 मई को उस दिन से बोडोफा डे की तरह ये लोग याद करते हैं ताकि उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी को याद कर पाए। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड फ्रॉम PT पॉइंट ऑफ व्यू, तो बोडो या कचारी ट्राइब्स की बात की जाए तो दे आर सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी अमंग्स द नोटिफाइड ST ट्राइब्स इन आसाम। उनकी पॉपुलेशन 5 से 6% तक है टोटल आसाम की। तो अगर नोटिफाइड ट्राइब्स की बात की जाए तो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है बोडो और कचारीज की। 5 से 6% पूरी आसाम की पॉपुलेशन अकेले बोडो कचारीज की है। इनका पहला ऑर्गेनाइज्ड डिमांड टू हैव ए सेपरेट स्टेट बोडो स्टेट स्टार्टेड इन 1967-68। ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स बने जो सेपरेट स्टेट का डिमांड कर रहे थे, तो अलग अलग ग्रुप्स के साथ अलग अलग अकॉर्ड साइन हुआ। सबसे पहला अकॉर्ड साइन हुआ ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के साथ 1993 में, जिसके बाद बोडो लैंड ऑटोनोमस काउंसिल बनाया गया, एक तरह का ऑटोनोमस काउंसिल बनाया गया 1993 में। 2003 में BLTF के साथ बोडो लैंड लिबरेशन टाइगर फोर्स के साथ 2003 में ये जो दूसरा बोडो अकॉर्ड साइन किया गया। इसके बाद इस बोडोलैंड ऑटोनोमस रीजन को 6th शेड्यूल के अंदर ला दिया गया, तो ज़्यादा पावर दिए गए। और तीसरा जो अग्रीमेंट हम जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बोडो अकॉर्ड, वो थर्ड है NDFB के साथ, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के साथ साइन किया गया 2020 में। इसके जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो मैंने आपको रिवाइज किया है, कराया है। BTAD हैज़ बीन रीस्ट्रक्चर्ड एज BTR, बोडो पॉपुलेशन को ऐड किया गया, जो नॉन बोडो थे उनको रिमूव किया गया है। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की सीट बढ़ा दी गई है, 60 कर दी गई है, पहले थी 40। शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया जाएगा हिल बोडोज को और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला जाएगा बरामा टाउन में इन बक्सा डिस्ट्रिक्ट। अगर उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी की बात की जाए तो ही इज एसोसिएटेड विथ दिस फर्स्ट वन ABSU नोन एज बोडोफा, दैट इज गार्जियन ऑफ बोडोस, एंड 8th मई इज कॉमेमोरेटेड एज बोडोफा डे इन बोडो रीजन्स। ये क्वेश्चन है, इसको पहले इस वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे बढ़ें। हर क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो थोड़ा दिमाग चलाते हैं आप खुद, अदरवाइज जब मेरी बात सुन रहे होते तो बस आप पैसिव रिसीव कर रहे हैं, तो उसमें चीज़ें आपको रटेंगी नहीं। बट आप क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट करेंगे तो दिमाग थोड़ा चलाएंगे तो चीज़ें रट जाएंगी। टॉपिक नंबर 58 इज़ पद्मा अवार्ड्स। तो अगर बात की जाए सिविलियन अवार्ड्स की हमारे देश में, तो देखिए दो तरह के सिविलियन अवार्ड्स हैं, भारत रत्न है और पद्म अवार्ड्स है। इनफैक्ट भारत रत्न सबसे ऊपर है और फिर है पद्म अवार्ड। तो सबसे पहले से एक इंसान को पद्म श्री मिलता है, और कुछ अच्छा काम किया तो पद्म भूषण, और अच्छा किया तो पद्म विभूषण, और अच्छा किया तो भारत रत्न। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 1954 में बनाया गया था। ये किस किस कारणों से दिया जाता है, अगर आपकी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस है इन द फील्ड ऑफ आर्ट लिटरेचर साइंस या पब्लिक सर्विस तो दिया जा सकता है, लेकिन 2011 में इसको चेंज करके एक और प्रोविजन ऐड कर दिया गया, एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। इसको ऐड करने के बाद ही सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया, अदरवाइज सचिन तेंदुलकर कहीं भी फिट नहीं होते थे, आर्ट ना लिटरेचर ना साइंस ना पब्लिक सर्विस। तो भारत रत्न के लिए अब ये 5 क्राइटेरिया हैं, आर्ट लिटरेचर साइंस पब्लिक सर्विस या एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। और भारत रत्न इस साल में बस 3 लोगों को दिया जा सकता है मैक्सिमम, कोई जरूरी नहीं कि 3 लोगों को दिया ही जाए, किसी साल किसी को भी नहीं दिया जाता। भारत रत्न में एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको सनद कहते हैं, एक इस तरह की मेडल मिलती है जिस पे इस तरह का पीपल लीफ बना रहता है, लेकिन भारत रत्न में कोई भी मॉनेटरी ग्रांट एसोसिएटेड नहीं होता है। और भारत रत्न जो रिसिपियंट होता है वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स में 7वें नंबर पर आता है। आपको पता होगा लक्ष्मीकांत बुक में आपने देख रखा होगा कि प्रेसिडेंट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स में सबसे पहले आते हैं, फिर कुछ और लोग आते हैं, तो इस तरह से भारत रत्न अवार्डी जो हैं वो 7वें नंबर में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में आते हैं। अगर पद्म अवार्ड्स की बात की जाए तो सबसे नीचे हैं पद्मश्री, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, और ये दिए जाते हैं इफ अ पर्सन हैज मेड सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन या डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज, और ये दिए जाते हैं रिपब्लिक डे के ओकेजन पे। अगर इस साल बात की जाए आसाम के अंदर, अब पूरे इंडिया में किस किस को क्या क्या मिला पूरे दुनिया भर में वो तो याद नहीं कर सकते, एक बात याद रखना कि शिंजो अबे जापानीज प्राइम मिनिस्टर को पद्म विभूषण मिल गया है, मतलब भारत रत्न से बस एक पहले, बाकी सब तो याद नहीं कर सकते, लेकिन आसाम से किसको क्या क्या मिला है वो जरूर याद करना होगा। पद्म भूषण अवार्ड मिला है
फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई जी को, पद्मश्री अवार्ड मिला हमारे यहाँ से 8 लोगों को, विजय चक्रवर्ती पॉलिटिशियन, बीरू बाला रभा एंड लक्ष्मीनी बोरुआ सोशल वर्कर, सत्रिय आर्टिस्ट गोपीराम बारगियान, पोएट राइटर मंगल सिंह हौजरी, फोक सिंगर दुलाल मांकी, लिटरेचरर इमरान शाह एंड राइटर एंड कॉलमिस्ट रोमन शर्मा, इन लोगों को मिला है पद्मश्री अवार्ड इस साल। तो एक बार जल्दी से फिर से चीज़ें रिवाइज करते हैं। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिविलियन अवार्ड्स दो ही तरह के हैं, भारत रत्न या पद्म अवार्ड्स। भारत रत्न 1954 में लाया गया, पद्म अवार्ड्स भी 1954 में लाए गए। भारत तक इसलिए दिया जाता है आर्ट, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विस एंड एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है एक साल में। सनद दिया जाता है लेकिन कोई मॉनेटरी ग्रांट नहीं है। और भारत रत्न अवार्ड इज आर 7th इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। पद्म अवार्ड्स में सबसे ऊपर विभूषण, फिर भूषण, फिर श्री, गिवन फॉर डिस्टिंग्विश सर्विसेज। और पद्म अवार्डी फ्रॉम असम में तरुण गोगोई जी हैं, पद्म भूषण मिला उनको इस साल मरणोपरांत। अगर पद्मश्री की बात की जाए तो सबका नाम तो याद मत रखो अगर नहीं कर पा रहे तो, लेकिन कम से कम बीरू बाला रभा जी का नाम याद रखो। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 59, मेथनॉल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, अगेन 3-स्टार टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, आसाम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड एक कंपनी है पेट्रोकेमिकल फील्ड में। इसके कुछ शेयर्स भारत सरकार के पास हैं, आसाम सरकार के पास हैं, कुछ शेयर्स ऑयल इंडिया लिमिटेड के पास हैं। आसाम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, इसका एक प्लांट है नामरूप में, वो मेथनॉल प्लांट है और वहाँ पे वो मेथनॉल बनाते हैं। इन्होंने 2017 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, मेथनॉल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, जो कम्प्लीट हो गया इस साल। और इसके साथ ही ध्यान से सुनिएगा इस बात को, नामरूप के अंदर जो आसाम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड का प्लांट है, मेथनॉल प्लांट, वो अब इंडिया का सबसे बड़ा मेथनॉल प्रोडक्शन यूनिट बन चुका है। तो 2017 से पहले काफ़ी कम मेथनॉल बनता था नामरूप में ऑफ आसाम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, लेकिन 500 टन पर डे की कैपेसिटी अब इन्होंने डेवलप कर ली है। उसके लिए लगभग 1600 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इनफैक्ट दिस इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव भाई आसाम गवर्नमेंट। अगर ओवरऑल मिथेनॉल की बात की जाए तो हमारे देश में मिथेनॉल जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसका लगभग 80% मिथेनॉल हम इम्पोर्ट करते हैं। जो 20% हम मिथेनॉल बनाते हैं अपने देश के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, उसका ज़्यादातर 60% से भी ज़्यादा अब सप्लाई होता है फ्रॉम दिस नामरूप मिथेनॉल प्लांट ऑफ आसाम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। अगर मेथनॉल इथेनॉल के अंतर के बीच के अंतर की बात कर ली जाए तो देखिए, मेथनॉल का स्ट्रक्चर ऐसा है, इथेनॉल का कुछ ऐसा है, एक्स्ट्रा एक कार्बन बॉन्ड है, सीसी बॉन्ड है। ध्यान से समझना, एथेनॉल आपको पता ही होगा, ठीक है, आपके पार्टी में इस्तेमाल आता है, शराब का काम करता है, राइट। उसके अलावा सैनिटाइजर में भी होता है एथेनॉल। और ठीक उसके विपरीत मेथनॉल, अगर एक कार्बन हटा दो तो मेथनॉल हो जाता है, काफ़ी टॉक्सिक हो जाता है, इसको पी लिया तो काम ख़त्म, मतलब इट्स टॉक्सिक। और लेकिन मेथनॉल का इस्तेमाल होता है एंटी फ्रीज की तरह, मतलब जो काफ़ी सर्दी वाली जगह है ना, वहाँ पे इसको पानी के अंदर डाल दो या फिर फ्यूल के अंदर डाल दो तो ये फ्रीज नहीं होने देता है, क्योंकि उनकी बॉइलिंग पॉइंट को वो बढ़ा देता है। तो जल्दी से कुछ पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। मेथनॉल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट आसाम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड में लाया गया है, 500 टन पर डे कहाँ पे है, नामरूप में। इसके साथ ही 60% ऑफ मेथनॉल प्रोड्यूस्ड इन इंडिया कम्स फ्रॉम दिस लोकेशन। मेथनॉल के अलावा यहाँ पे फॉर्मलिन भी बनता है, एल्डिहाइड होता है, ज़्यादा टेंशन मत लो, केमिकल फार्मूला मत रटो, फर्टिलाइजर में काम आता है इसका। इंडिया अपना ज़्यादातर मेथनॉल जो है इंपोर्ट करता है, और वो भी कहाँ से, वेस्ट एशिया से। मेथनॉल और एथनॉल के बीच के अंतर की बात की जाए तो दोनों हैं अल्कोहल, लेकिन एथनॉल फ्रेंडली अल्कोहल है, सैनिटाइजर में इस्तेमाल होता है, अल्कोहल में इस्तेमाल, अल्कोहलिक बेवरेजेज में इस्तेमाल होता है। मेथनॉल टॉक्सिक है, पेंट्स में इस्तेमाल होता है, सॉल्वेंट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, एंटी फ्रीज की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 40, सम इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स। देखिए, न्यूज़ तो काफ़ी सरल था, लेकिन वो न्यूज़ क्या था कि IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया विल ग्रो एट अ रेट ऑफ 8.8% इन द फिस्कल ईयर 2021। अब ये न्यूज़ हमारे लिए किसी काम का नहीं है। क्या काम का है हमारे लिए पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि IMF की रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो इसी के साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी रट लेते हैं। देखिए, वैसे तो मैं आपको पूरी लंबी लिस्ट दे सकता था 50 रिपोर्ट्स की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, लेकिन मुझे लगता है कि ये 7-8 रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपको जाननी चाहिए कम से कम, और APSA में इतने में काम हो जाना चाहिए, तो वो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स मैंने आपको दे रखी हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट पब्लिश करता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, याद रखना है ग्लोबल जेंडर गैप इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट एंड ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। IMF पब्लिश करता है वर्ल्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो ध्यान रखना, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है ये IMF पब्लिश करता है, नाम में है वर्ल्ड, तो ये मत सोचना कि वर्ल्ड बैंक है। कौन करता है? IMF। और वर्ल्ड बैंक की अगर बात की जाए तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट, दोनों वर्ल्ड बैंक करता है। उसके अलावा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट एंड रेमिटेंस रिपोर्ट कम्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। सो आज का ये आखिरी टॉपिक था, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।